दोस्तों यहाँ पर मोटरोला ने अपने दो नए स्मार्टफोन लॉन्च किए थे। पहला फ़ोन है दोस्तों यहाँ पर जो मोटरोला की तरफ से लॉन्च हुआ था, मोटो जी पावर, और यहाँ पर जो सेकंड फ़ोन है मोटो जी स्टाइलस। तो दोस्तों मैंने मोटो जी स्टाइलस की तो वीडियो दे दी है, आपने नहीं देखी तो आई बटन पर जाके देख लीजिए, मेरे चैनल पर जाके देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा मोटो जी पावर के बारे में। तो चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो गीक बेंच में लीक हुआ था, यहाँ पर इसके कुछ डिटेल्स लीक हो गई थी, तो यहाँ पर ये कन्फर्म लॉन्च हो चुका है। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में इसके कन्फर्म स्पेसिफिकेशंस बताने वाला हूँ, क्या क्या यहाँ पर दिया जाएगा आपको। तो बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले डिस्प्ले क्वालिटी की। तो डिस्प्ले दोस्तों आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर 6.4 इंचेस की IPS LCD पैनल के साथ में, जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है दोस्तों आपको 83% का, जो कि 1080 रिजोल्यूशन के साथ में है, पंच होल डिज़ाइन के साथ में। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये कमाल देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रोसेसर दिया जाएगा वो दिया जाएगा कोलकॉम की तरफ से, जो कि यहाँ पर कोलकॉम का कौन सी सीरीज़ है वो बता देता हूँ आपको। कोलकॉम का यहाँ पर स्नैपड्रैगन 665 जो कि एक 11 नैनोमीटर की डिज़ाइन पर बना हुआ है, जो कि एक ऑक्टा कोर चिपसेट है। और दोस्तों जहाँ पर ये जो GPU यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है एड्रिनो का 610। तो गेमिंग में भी आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और एंड्रॉयड 10 का आपको लेटेस्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, फीचर एंड्रॉयड 10 का आपको देखने को मिल जाएगा लेटेस्ट फीचर। तो दोस्तों ये काफ़ी कमाल की बात है। और रैम वेरियंट की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर 4 GB और 64 GB, और जहाँ पर जो टेस्ट किया था दोस्तों यहाँ पर 1352 स्कोर आया था मल्टी कोर स्कोर का, और यहाँ पर सिंगल कोर स्कोर का 351 ही आया था। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्कोर आया है यहाँ पर 311 का, तो ये भी काफ़ी कमाल का बात है। और दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बाद, यहाँ पर जो बात हो गई इसकी प्रोसेसर की, पावरफुल सब की बातों की हो गई, यहाँ पर बात कर लेते हैं हम कैमराज की। तो दोस्तों यहाँ पर कैमराज की बात कर लेते हैं मोटोरोला जी पावर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो कैमरा है, मेन कैमरा है, वो 16 मेगापिक्सल का f1.7 अपेचर के साथ में, और दोस्तों जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ में। और दोस्तों आपको 8 मेगापिक्सल का आपको जो डेप्थ सेंसर मिल जाएगा, और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो शॉट मिल जाएगा LED फ्लैश के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छा सेटअप बन जाता है कैमरे का। और यहाँ पर सेल्फी की बात कर लेते हैं, तो आपको सेल्फी 16 मेगापिक्सल की मिल जाएगी। और बैटरी की बात कर लेते हैं दोस्तों, 5000 mAh की बैटरी दी गई है, और 18 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है, तो ये काफ़ी कमाल की बात है दोस्तों। और यहाँ पर टाइप सी देखने को मिल जाएगा, USB टाइप सी, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। 3.5 mm का जैक भी है, फास्ट चार्जर भी है, और यहाँ पर सारी चीज़ों को मिला के दोस्तों ये काफ़ी अच्छा फ़ोन बन जाता है 15,000 की प्राइस सेगमेंट के अंदर अंदर। तो दोस्तों ये फ़ोन इस फीचर्स के हिसाब से तो काफ़ी कमाल कर देता है दोस्तों। आप ये फ़ोन कैसा लगा, या आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अगर अपना कोई सा फ़ोन नया फ़ोन परचेज करना चाहते हैं तो जी पावर ही ले सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, गुड डे एंड टेक केयर। With the